जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट बन रहा है राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी विकास योजनाओं का आईना। बना रहे हैं हजारों राजस्थान वासी एक से एक बढ़कर वीडियोस और जीत रहे हैं लाखों के पुरस्कार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनूठी पहल करवा रही है रूबरू सरकारी योजनाओं के व्यापक फायदों से। आइए देखें कौन कौन बना है आज जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के इनामों का हकदार। और अब बात करते हैं जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की। आज के घोषित परिणामों के पहले विजेता रही हैं बाड़मेर की पूनम कंवर, जिन्हें 1,00,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। उन्होंने महंगाई राहत कैंप में चल रही योजनाओं पर वीडियो बनाकर शेयर किया था। जीवन ने कई चीजें भाई, रोटी कपड़ा और मकान, राजस्थान सरकार कर दियो जन जन रोजीनो आसान, राजस्थान सरकार कर दियो जन जन रोजीनो आसान। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी सौंपा ओला, निःशुल्क अंग्रेजी शिक्षा टाबरिया ने पढ़ावाला, राजस्थान सरकार कर रही, राजस्थान सरकार कर रही जन जन रो देखो कल्याण, राजस्थान सरकार कर दियो जन जन रो जीणो आसान। लाख चीरण जीवी भीमो सगला लाभ उठावाला, जांच फ्री है, लाज फ्री है, जांच फ्री है, लाज फ्री है, राजस्थान सरकार महान, अरे राजस्थान सरकार कर दियो जन जन रोजीणो आसान। मुख्यमंत्री काम धेनु बीमा नई योजना पावाला, घर घर गौ माता पाला दूध राबड़ी खावाला, राहत कैंप सो राहत मिली है, राहत कैंप सो राहत मिली है, अशोक जीरो करो सम्मान, राजस्थान सरकार कर दियो जन जन रोजीनो आसान, राजस्थान सरकार कर दियो जन जन रोजीनो आसान। राजसमंद के जगदीश चंद्र को मिला है दूसरा पुरस्कार जो कि है 50,000 रुपए का। क्या काम धंधा कर रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, सुबह से शाम तक जोमेटो में फूड डिलीवरी का काम करता हूँ, उसके बाद वही अपना फ्रीलांसिंग वाला काम। तेरी लाइफ तो सेट है यार, कितना कमा लेता है? कोई सेट वेट नहीं है यार, ये कंपनियां हमें अपना एम्प्लॉय नहीं मानती है। कल को हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए उसकी ये कंपनियां कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। तू राजस्थान से है क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तेरे लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है भाई? भाई राजस्थान इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जहाँ की सरकार ने प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल पास किया है। ये गिग वर्कर्स बिल क्या है और गिग वर्कर्स होते कौन है? गिग वर्कर्स यानी कैब ड्राइवर, फूड डिलीवरी पार्टनर, टेक्नीशियन, फ्रीलांसर जो कि तू है, जो किसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं और कंपनी जानबूझकर उनको एम्प्लॉय का टैग नहीं देती है, क्योंकि एम्प्लॉय का टैग देते ही उन्हें एम्प्लॉय बेनिफिट देने पड़ेंगे जैसे कि PF, इंश्योरेंस, बोनस इत्यादि। अब इससे कंपनी तो करोड़ों रुपए बचाती है पर वर्कर के पास जीरो सोशल सिक्योरिटी होती है। वो जितना काम करेगा उतने ही पैसे मिलेंगे, छुट्टी नहीं ले सकता, ना कोई इंश्योरेंस और रिटायरमेंट सेविंग, वो तो एक सपना है। पर अपनी राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स को बहुत बड़ी सौगात दी है। इस गिग वर्कर्स बिल के अंडर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड बनाया जाएगा जिसमें 5 तरीके से पैसा भरा जाएगा और इसी फंड का यूज करके राजस्थान के गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिए जाएंगे। और यहाँ एक शिकायत निवारण मैकेनिज्म भी है जहाँ वर्कर कंप्लेन कर सकते हैं और एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी है जहाँ 5 मेंबर गिग वर्कर से आएंगे और 5 मेंबर प्लेटफॉर्म से, ताकि दोनों पार्टियों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ये तो हमारी राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा बिल पास किया यार, ऐसा बिल सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिया के हर स्टेट को लाना चाहिए। हनुमानगढ़ के सोहनलाल रहे हैं 3रे स्थान पर, जिन्हें 25,000 रुपए की इनाम राशि दी गई है। मुख्यमंत्री जी अशोक जी के लोतारी बाल गोपाल योजना को है। बाल गोपाल योजना आखिए
हाँ, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 ने करी। ये योजना का मां कक्षा 1-8 तक का टाबरा ने शामिल कराया गया है। इनका मां शुरुआत का मां तो पहली सप्ताह में 2 दिन दूध पियाऊता। अब 1 जुलाई 2023 हर रोज दूध पीजे। कक्षा 1-5 क्लास तक का टाबरा ने 150 ग्राम दूध और 6 क्लास लेके 8 क्लास तक का टाबरा ने 200 ग्राम दूध पीजे। ये योजना के मार रोजगी प्रोटीन युक्त दूध पियानो टाबरा दिमाग बढ़े और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे, तो टाबर तेज तो होना ही। यहाँ वाह यार, बड़ी तकड़ी स्कीम है राजस्थान सरकार ने हल कर रखे दम तो। मैं तुम जिस सर हो रहे